अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एकदम मस्त में रह रहे होंगे। आज ना मैंने ना कुछ स्वीट डिश बनाई हूँ। ये स्वीट डिश आप लोग कोई भी फेस्टिवल में कोई भी सीजन में बना सकते हैं। ये है कोकोनट की बर्फी, जिसको आप नारियल की बर्फी कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी, और मैंने सिर्फ 3 इंग्रीडियंट से इसे बनाई हूँ। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसकी कोटिंग भी की हूँ, कितने अच्छे से इसको सजाई भी हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने बनाई हूँ, बहुत ही ईजीली मैंने इसको बनाई हूँ। तो आइए चलिए देखिए मेरे साथ मैंने किस तरह से इसको बनाई हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली हूँ। ये नॉनस्टिक की कढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले थोड़ा सा 2 चम्मच के जितना मैंने इसके अंदर घी डाली हूँ, और घी को मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने के लिए दी। और फिर इसके अंदर अब मैं डालूँगी जो हम लोग खोपरा खिसके रखी हूँ मैंने यहाँ पे खोपरे को, तो उसको ये हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा ना मेरा घी, तब मैं थोड़ा सा इसके अंदर खोपरा डाल दूँगी। और ये खोपरा मैंने ना एक जो खोपरा आता ना मीडियम साइज़ का, वो मैंने ली थी। उसको मैंने एकदम बारीक सा जैसा हम लोग क्या बोलते क्रश कर लेते ना, वैसा कर ली मैंने, घिस ली थी उसको। घिसने से जो आती ना उससे हम लोगों ने घिस लिए थे, और फिर इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा भून ली थी। मैंने इसको ना सिर्फ कलर चेंज होने तक का हल्का सा ही भूनी थी, तकरीबन मतलब मैंने समझे इसको 2 मिनट तक का सिर्फ इसको भूनी, मैंने इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं भूनी थी। और ये कोकोनट हमारा थोड़ा स्वीट था, थोड़ा मीठा था, तो इसके अंदर मैंने ना दूसरी जो चीज़ मैंने डाली थी वो है मिल्क मेड, जो अमूल का जो मिल्क मेड आता ना, मिनट मेड, कंडेंस मिल्क आप जो भी बोल सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। तो ये होता है 200 ग्राम का, तो मैंने आधा ही कैन डाली थी, सिर्फ 100 ग्राम की जितना ही मैंने इसके अंदर डाली थी, क्योंकि हमारा जो खोपरा था वो भी माशाल्लाह मीठा था, और मैं थोड़ा मतलब कम मीठा मतलब जैसा बना रही थी, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। तो वही हिसाब से मैंने मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने डाली थी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग पूरा कैन भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वही कंडेंस मिल्क डाली और उसको अच्छे से भून ली थी। उसको अच्छे से भूनने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क ऐड करी। मिल्क मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप के जितना ऐड की थी, जो हमारा चाय का जो कप आता ना एक, वो मैंने चाय का कप इसके अंदर मिल्क ऐड कर ली थी। और मिल्क ऐड करके भी मैंने इसको अच्छे से थोड़ा भून ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरह से मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद में ये देखिए इसको मैंने अच्छे से थोड़ा भून लेती हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे करके अच्छे से, क्योंकि ये मेरी कढ़ाई जो है वो नॉनस्टिक नहीं है, इसलिए मुझे कहीं ये नीचे लगे ना, थोड़ा जले ना, इसीलिए मैं इसको बार बार हिलाते जा रही थी। तो ये देखिए थोड़ा सा मतलब हमारा जो खोपरा है वो भी अच्छा नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ी देर में इसका जो जितना भी दूध वगैरह है ना पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको तब तक कि हम लोग को इस तरह से हिला हिला के ज़रा पकाने का रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये जो दूध था ना पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, खोपरे में पूरा सूख गया है। तो अब हम लोग ने क्या किए थे, यहाँ पे एक मैंने एक ट्रे ली थी, उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दी थी। उसको घी को लगा के फिर अब ये जो मैंने बनाई हुई ना जो खोपरे का मिक्सचर, उसको इसके ऊपर डाली और अच्छे से स्प्रेड कर ली थी। जिस तरह से हम लोग कैसे मिठाई या बर्फी वगैरह डाल के हम लोग ऐसे स्प्रेड कर लेते ना, उस तरह से मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड कर ली थी पूरा अच्छे से, मतलब दबा दबा के। आपके पास स्पैचुला हो, चम्मच हो, कटोरी का जो पीछे का जो हिस्सा आता ना प्लेन हिस्सा, वो हो, उससे आप लोग दबा दबा के थोड़ा मतलब एकदम भी जोर में नहीं दबाइएगा, प्रेशर के साथ में थोड़ा हिसाब से दबाइएगा और उसको इस तरह से मतलब थोड़ा फ्लैट जैसा कर लीजिएगा, चपटा इसको कर लीजिएगा। साथ में मैंने अभी ऊपर है ना गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर सूखा कोपरा मेरे पास था एकदम पाउडर वाला, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को डालना है तो डालें, वरना ऐसे भी आप लोग लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने इसके ऊपर उसके मीन्स जब थोड़ा हल्का सा गर्म था ना तभी मैंने इसके पीसेस मतलब स्क्वायर शेप में कर दी थी, और इसके ऊपर मैंने पिस्ते आते ना पिस्ते को पीसेस करके मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट के उसके ऊपर ऐसे सजा दी थी बस खाली। तो ये हमारा जो ये मिठाई है ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाई हूँ। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट वाला नहीं है कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, बस 2-3 चीज़ें मेरे पास जो थी घर में ही थी उसी से मैंने इसको बना ली थी। और ये बहुत ही आसान है, ये जो मतलब टीनएजर्स रहते ना जो अभी पकाना सीख रहे हैं वो लोग के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो आप लोग को ये मेरी मिठाई की डिश कैसी लगी, किस तरह से लगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मुझे अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इसे उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लग के लेकर आ सकूँ, और जिससे आप लोग भी कुछ सीखें और मुझे आप लोग का प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।